हेलो गाइस, तो ये आपका अब तक का सबसे बेस्ट वन लाइनर रिवीजन वीडियो होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम 30 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिसमें से 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपकी यस्टरडे क्लास के होंगे, यानी कि कल के होंगे, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो दिसंबर से अभी तक कहीं से भी लिए जा सकते हैं। इनके अलावा 10 स्टैटिक क्वेश्चन होंगे और 10 डेज वाले क्वेश्चन भी हम रिवीजन करेंगे, ताकि धीरे धीरे साथ में ये भी याद होते रहे। हाँ देखो, अगर कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहे हैं ना पहली बार, तो आप ट्राई करें पहले इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, वीडियो को रोक करके आप इनको सॉल्व करें और देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। शुरू करते हैं तो कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न हमारा है कि मणिपुर की ग्रीन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा वैलेंटिना। 9 साल की बच्ची है ये वैलेंटिना और ये बन गई है मणिपुर की ग्रीन एम्बेसडर। फिर है 66वां यानी कि 66 नेशनल फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो आंसर होगा अंधाधुन। आयुष्मान खुराना स्टार मूवी है अंधाधुन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ना बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो गुजरात की है हेलारो। और इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कल बताए थे, तो वो भी आप याद रखना। अगला है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के दायरे में किस खेल को शामिल कर लिया गया है, तो आंसर होगा क्रिकेट को। फिर है रिसर्जेंट इंडिया नाम की बुक लॉन्च की गई है, आपको बताना है इसके राइटर कौन है। बीमल जालान है, RBI के पूर्व गवर्नर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 है किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा हरियाणा ने। अगला है इंडियन बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा चोला मंडलम MS जनरल इंश्योरेंस। और मैंने आपको बताया था इसने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी समझौता किया है। क्यों किया है समझौता, ताकि भाई इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस कंपनी है दोनों के दोनों, तो ये अपने प्रोडक्ट जो भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को बेच सके। फिर है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया हमने, तो ये मनाया 10 अगस्त को, और इसकी थीम भी थी प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा 8 होम। तो आपको पता है 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई, और उस अवसर पे 78 स्वतंत्रता सेनानियों फ्रीडम फाइटर्स के लिए 8 होम कार्यक्रम आयोजित किया गया राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, और उनको जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सम्मानित किया गया। फिर है क्या किस राज्य के वृक्षासन महाकुंभ अभियान ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या विश्व रिकॉर्ड है, 2 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का ये रिकॉर्ड बनाया। अगला देखो क्या है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कहाँ पे किया जाएगा, तो आंसर होगा हरियाणा में ही। फिर है किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा कैनेथ एम क्विन को। ये MS स्वामीनाथन भारत के ग्रीन रिवोल्यूशनरी थे। अगला है किस बैंक ने अपना पहला हेल्थ कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो RBL बैंक ने। बढ़ते आगे, तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है कि RBI के किस डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, तो आंसर होगा विरल आचार्य। मैंने आपको बताया था RBI में पहले 4 डिप्टी गवर्नर थे, कौन कौन, एक तो ये हो गए विरल आचार्य जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एक BP कानूनगो है, एक महेश कुमार जैन है, और एक NS विश्वनाथन है। अच्छा, NS विश्वनाथन का इम्पॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये भी अभी न्यूज़ में था, इनका कार्यकाल अभी ख़त्म हो गया था लेकिन अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अब RBI में केवल 3 डेप्यूटी गवर्नर बचे हैं, BP कानून को, महेश कुमार जैन और NS विश्वनाथन। अगला प्रश्न है मॉरिटाना के राष्ट्रपति कौन बने, तो मोहम्मद औलद गजाउनी, ये अफ्रीकन कंट्री है। फिर है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया, तो 23 जून को, और 23 जून को ही यूनाइटेड नेशन विधवा दिवस भी मनाया था और इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाया था। फिर है कौन सा राज्य
सोलर बोट लॉन्च करेगा, तो फिर आंसर होगा केरल, दिसंबर तक करेगा ये। फिर है टीबी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, तो 2025 तक। फिर है किस देश के सेना प्रमुख की आर्मी चीफ की गोली मार करके हत्या कर दी गई, तो आंसर होगा इथोपिया। फिर है एशिया वुमेन रग्बी चैम्पियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर होगा तीसरे स्थान पर रहा, पहले पे चाइना रहा। फिर है FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्य प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है, तो सऊदी अरब आंसर होगा। FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। फिर है देखो FIH वुमेन सीरीज फाइनल 2019 किसने जीती है, तो आंसर होगा भारत ने जीत ली है। फिर है किस राज्य ने कलेश्वरम परियोजना शुरू की है, तो तेलंगाना आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं आगे, तो अगला प्रश्न है 2021 के स्पेशल ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे, तो आंसर होगा स्वीडन में होंगे। अच्छा, ये स्पेशल ओलंपिक गेम्स अभी 2019 में भी तो हुए थे, शायद मार्च में। कहाँ पे हुए थे, दुबई में हुए थे। फिर है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता बन गया है, मैन्युफैक्चरर बन गया है रेल कोचेस का, तो भारत इसका आंसर होगा। एक्चुअली अभी 2018 में आंकड़े देखे गए थे, भारत की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ना, उसने 2919 रेल कोचेज बनाए, वहीं चाइना ने केवल 2600 बनाए, तो भारत सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता बना। फिर है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स आया, उसमें भारत का स्थान क्या रहा, 140वां स्थान रहा, और टॉप पे रहा फिनलैंड। फिर है किसका नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया, तो अस्ताना का नाम बदल करके, अब यह अस्ताना क्या है, कजाकिस्तान की कैपिटल है। एक्चुअली वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान नजरबायेव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके सम्मान में उसकी कैपिटल का नाम बदल करके नूर सुल्तान कर दिया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये मार्च में हुआ था नेपाल में। फिर है पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी थी, तो गौरी सावंत बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है T10, जिस तरह से होता है ना T20, उसी तरह से है क्रिकेट में T10 लीग, उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो ये आंसर होगा अबू धाबी। ठीक है, और ये क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट हो गया है आपका T10, अभी तक क्या था, T20 था। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिपुरा सरकार ने किसे अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो आंसर होगा थंगा दालोंग को। फिर है अंकल ओलंपिक का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम था नाओ तोशी या मादा, ये जापान के थे। एक्चुअली इनको अंकल ओलंपिक क्यों बोलते थे, क्योंकि जब से ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं तब से ये हर ओलंपिक में जाते हैं, जापान की जो ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह होती है, झंडा वगैरह लेकर के नारे वारे लगाते थे बढ़िया, इसलिए उनको अंकल ओलंपिक बोला जाता है था। क्वेश्चन नंबर 10 है फोर्ब्स की विश्व के सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची आई थी, उसमें पहले नंबर पे कौन है, तो मुकेश अंबानी है। आईपीएल टीम है इनकी, स्पोर्ट्स टीम की बात कर रहे हैं तो आईपीएल टीम है, और अभी आईपीएल हुए थे 2019 के, किस टीम ने जीता, इनकी टीम ने जीता है। कौन सी टीम है इनकी, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स को हरा करके। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, पहला प्रश्न है मिताली राज का संबंध किससे है, आप सबको पता है क्रिकेट से है। अगला है नाइट एंगल ऑफ इंडिया किनको कहते हैं, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू को, या भारतीय कोकिला इसको हिंदी में बोलेंगे तो। फिर है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो माउंट आबू में है, राजस्थान के माउंट आबू में। किस मंदिर को असम के खजुराहो कहते हैं, तो मदन कामदेवा को। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लंदन यूके में है। उड़ीसा राज्य दिवस पीछे भी बताया था, अब तो याद हो गया होगा, 1 अप्रैल को मनाते हैं। गुजरात राज्य दिवस कब मनाते हैं, तो जब महाराष्ट्र राज्य दिवस मनाते हैं, यानी कि 1 मई को, 1 मई 1960 में इनकी स्थापना हुई थी। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो एक टीम में होती है 6। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। फिर है बैक हैंड ड्राइव किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। अब इम्पॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन में बात करेंगे, तो पहला प्रश्न है इंटरनेशनल लेबर डे हमने कब मनाया, तो मई का पहला दिन 1 मई को। फिर है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 4 मई को मनाया अपन, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे।
फिर है उड़ीसा राज्य दिवस, हमने 1 अप्रैल को मनाया क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। और मैंने आपको कई बार बताया है कि अभी 1 अप्रैल 2019 को जब हमने उड़ीसा दिवस मनाया ना, तभी इसकी कंधमाल हल्दी को भी GI टैग दिया था। और इसके बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है, कौन सी मिठाई, रसगुल्ला, उड़ीसा के रसगुल्ला को भी GI टैग मिला था। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को मनाया। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को मनाया। और वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को मनाया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया, तो ये भी हमने 7 मई को ही मनाया। फिर है शून्य भेदभाव दिवस, 0 डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च को मनाया। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च को मनाया था। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 2 अप्रैल को मनाया। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, 6 अप्रैल को मनाया। तो ये था हमारा आज का रिवीजन। अब आपको मिलेंगे हमेशा की तरह होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इनके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन में आप अटकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, नीचे कमेंट बॉक्स से आंसर देख करके आप उन्हें हाथों हाथ याद भी कर लेना, क्योंकि इन होमवर्क वाले क्वेश्चन को जो अभी आपको मिलेंगे ना, इनका कल हम फिर से एक बार रिविज़न करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपका व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप है, आप इसे शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आपका सपोर्ट मिलेगा। तो ये रहे आपके होमवर्क के 40 क्वेश्चन में से पहले 10 प्रश्न, ये रहे अगले 10 प्रश्न। आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर सॉल्व करना। अगर ब्लर आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा लेना। ये रहे अगले 10 प्रश्न और ये रहे अगले 10 प्रश्न। देखो, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक्स।